जामनगर बैठक पर सतत त्रीजी वक्त हैट्रिक लगवानार भाजपना विजेता उम्मीदवार पूनमबेन माडमे न्यूज 18 साथे खास बातचीत करी, जेमा पूनम माडमे जणाव्युं छे के प्रधान नरेन्द्र मोदी 9 जूनना रोज त्रीजी वक्त शपथ ग्रहण करशे। एनडीए केबिनेटमां स्थान मळवा पर तेमणे कह्युं छे के तेओ एक कार्यकर छे अने पार्टी द्वारा आपवामां आवेली जवाबदारी पण तेओ बखूबी निभावशे। कोने केबिनेटमां स्थान मळशे ते पार्टी नक्की करशे अने आ सर्वसंमतिनी सरकार छे अने देशने आगळ वधावा माटे बधा साथे मळीने काम करीशुं। बतौर सांसद तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाली गुजरात जामनगर से बीजेपी की सांसद पूनम बेन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, तीसरी बार आपने हैट्रिक लगा दिया है और मार्जिन भी काफी ज्यादा अच्छा रहा। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मेरे समग्र क्षेत्र में काम हुए हैं, मुझे लगता है कि फिर से एक बार हालार की बेटी के रूप में मुझे समग्र हालार जो मेरा संसदीय क्षेत्र है जामनगर द्वारका, उन सभी नागरिकों का फिर से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, एक विश्वास प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि तीसरी बार इस क्षेत्र की सेवा मैं मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में कर पाऊँ। बिल्कुल मैम, आप कह रहे हैं कि लोगों का साथ मिला है, लेकिन अगर हम देखें तो जनादेश एक तरीके से नहीं मिला क्योंकि गठबंधन की सरकार यहाँ पे बन रही है, जोड़ तोड़ करके सरकार अब बन रही है, तो उसे आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके साथ जुड़ी हुई अन्य दलों ने जिस प्रकार से पूरा वातावरण इस देश का बनाया, उनके पास कोई काम की बात नहीं थी, कोई पॉजिटिव बात नहीं थी, केवल नाती जाति अफवाह विभाजन, इसी बेस पे ये लोग चुनाव लड़े और कहीं जनता ने इनकी बातों में आके कहीं, मैं मानती हूँ 2-5 जो सीटों में कहीं फर्क वो ला सके, पर हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में यही जागरूक जनता फिर से कांग्रेस को मजबूती से घर पे बिठाएगी और कांग्रेस को एक मजबूत मुंहतोड़ जवाब आने वाले दिनों में देगी। जहाँ तक एनडीए की बात है, आज मोदी जी ने भी अपनी बात में कहा और मैं वही बात दोहराऊंगी, एनडीए भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत अंग है, भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए की एक मजबूत अंग है और ये बहुत ही पुराना और एक नेचुरल एक गठबंधन है जो मुझे नहीं लगता कि ये 19 में भी ऐसा ही सब था, 14 में भी ऐसा ही सब था, 19 में थोड़ी सीटें बढ़ी थी तो, पर ये सब एक ऑर्गेनिकली एनडीए पूरा सारे दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से सब जुड़े हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आज और हमें माननीय मोदी जी की स्पीच से उनकी बात से ये पूरी बातें स्पष्ट भी हो गई कि इसमें कोई नई बात नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक गठबंधन है और एक ही विचार लेके एक ही संकल्प लेके राष्ट्र सेवा के लिए मजबूती से विकसित भारत के संकल्प के साथ पूरा एनडीए साथ में आगे